हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज मैं आपके साथ फिर से लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी जो कि आपके स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आपके स्किन को कर देगी बिल्कुल ही ये रेमेडी गोरी चिट्टी, आपके स्किन से दाग धब्बे बिल्कुल ही रिमूव कर देगी और इस रेमेडी से आपके चेहरे पे बहुत ज़बरदस्त सा ग्लो आ जाएगा। और इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है, सिर्फ टू इन्ग्रीडियंट्स चाहिए हमें, उसके अलावा तीसरा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बीट रूट जूस, जो बीट होता है उसके जूस चाहिए हमें 2 to 3 टेबलस्पून। आप अपने अकॉर्डिंगली ले लें, आपको जितनी ज़रूरत हो, जितनी क्वांटिटी में आपको बनाना है ये रेमेडी उतना आप ले लें। मैंने लिए इसे 2 to 3 टेबलस्पून। इसके साथ हमें चाहिए, इसमें क्या मिलाना है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको बता देती हूँ इसके फ़ायदे। बीट रूट से आपके चेहरे पे बहुत ज़बरदस्त सा ग्लो आएगा, आपके स्किन के दाग धब्बे को ये हटाएगा, आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा शाइन लाएगा, आपके चेहरे को चमकदार बनाएगा, आपके चेहरे पे की रंगत को साफ करेगा। ये बीट रूट जो है ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसे हमें अपने खाने में भी शामिल करनी चाहिए। दूसरी इंग्रेडिएंट इसमें हमें मिलानी है ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन। बेसन ख़ुद में ही एक उपटन है और वो बहुत ही ज़्यादा असरदार होता है हमारे चेहरे के लिए। हमारे डार्क स्पॉट को वो रिड्यूस करता है, हमारे रंग को वो फेयर करता है, हमारे टैन को रिमूव करता है। बेसन हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। तो बेसन हम अगर ऐसे भी अपने फेस पे हमेशा लगाते हैं तो हमारा चेहरा भी काफ़ी साफ़ होता है और हमारे स्किन के जितने भी दाग धब्बे होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। तो हमें इसमें मिलाना है 2 टेबलस्पून बेसन। ये देखिए गाइस, मैं इसमें मिला रही हूँ 2 टेबलस्पून बेसन। अगर इसमें और भी ज़रूरत होगी तो मैं मिलाऊँगी, अभी पहले मैं इतना मिलाकर देखती हूँ। अगर ये ज़्यादा ही थिन रही तो फिर मैं इसमें और मिलाऊँगी। कंसिस्टेंसी देखते ही आपको काम करना है, अगर ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाए तो वो सही नहीं है, इसलिए इसमें क्वांटिटी के हिसाब से ही मिलाना है। तो ये देखिए अभी ये बहुत ज़्यादा थिन है, ये बहुत ज़्यादा पतला है, तो इसमें मैं मिलाऊँगी और थोड़ा सा 1 टेबल स्पून बेसन। तो इसमें मिला दी मैंने और 1 टेबल स्पून बेसन। इसे हमें करनी है बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है जो कि हमारे स्किन पे बहुत ही अच्छे तरीके से लग जाए, ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा थिक हो या फिर बहुत ज़्यादा थिन हो। तो इसकी कंसिस्टेंसी हमें मीडियम रखनी है और इसकी करनी है हमें बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्सिंग, जब तक इसके सारे लम्स गायब ना हो जाएं एक दूसरे में, ये बहुत ही अच्छे तरीके से स्प्रेड ना हो जाए तब तक करनी है हमें इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्सिंग। जितने अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग होगी उतना ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। मैंने इसे कर दिए बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स और अब मैं आपको इसे लगा कर बताती हूँ कि आपने इसे कैसे लगाना है। तो हमें इसे लगाना है ब्रश के हेल्प से। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप अपने फिंगर टिप्स के हेल्प से इसे लगाएं। तो कैसे लगाना है वो मैं आपको लगा कर बताती हूँ। इसे हमें क्या करना है, इस तरीके से अपने पूरे फेस पे लगाना है और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने फेस को और नेक को कवर करनी है। ये देखिए इस तरह से हमें पूरे अपने फेस एंड नेक को कवर कर लेनी है। ये देखिए गाइस, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पूरे हैंड को कवर कर लिए। इसी तरह से अपने अपने फेस पे इसे लगाना है। और मैं आपको बता दूं कि बीट रूट का सेवन अगर आप अपने डेली के खाने में कर रहे हैं, अगर आप डेली के खाने में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके स्किन पे बहुत ही अच्छा ग्लो आने वाला है, आपका स्किन बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आपके स्किन पे कभी भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बीटरूट हमारे स्किन के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिसे खून की कमी है वो बीटरूट का जूस पिएँ, बीटरूट का सैलड खाएँ, उनके खून की कमी भी दूर हो जाएगी। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है हेल्थ के लिए भी और स्किन के लिए भी। तो इसका इस्तेमाल हमें अपने डेली यूज़ में करना चाहिए। और अभी ठंड का मौसम है तो बीट तो हर जगह पे मिल रही है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसका इस्तेमाल करें। इसे लगाने के बाद हमें 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही रखना है जब तक ये थोड़ा सा ड्राई ना हो जाए। जब ये 10 से 15 मिनट हो जाए, आप 20 मिनट भी रख सकते हैं। उसके बाद हमें करनी है इसकी अच्छे तरीके से वॉश। अपना नॉर्मल वाटर से आप इसे वॉश कर लें अपने फेस को
और उसके बाद फिर मैं आपको इसे 10 से 15 मिनट के बाद वॉश करने के बाद मिलती हूँ और आपको इसका लाइव रिजल्ट दिखाती हूँ। सो गाइस 15 मिनट्स हो चुके हैं और आप देख सकते हैं मैंने अपने हैंड को कर लिया वॉश और ये हैंड पे कितना ज़बरदस्त सा ग्लो आया है, ये कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है सिर्फ और सिर्फ एक बार के यूज़ से। अगर आप इसे वीक में 2 टाइम्स यूज़ करेंगे तो बिलीव मी आपके चेहरे पे गज़ब की खूबसूरती आ जाएगी, आपके रंग भी फेयर हो जाएंगे, दाग धब्बे भी गायब हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा ग्लोइंग स्किन हो जाएंगे आपके। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस, इस हैंड पे मैंने लगाई थी और इस हैंड पे नहीं लगाई थी, तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है, ये हाथ मेरा कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है और मैंने इस पर कुछ भी नहीं लगाया है, सिर्फ और सिर्फ वॉश करके आई हूँ। आप देख सकते हैं इस पर कुछ भी नहीं लगा हुआ है फिर भी ये कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है, और इस हैंड पे मैंने नहीं किया था तो इस हैंड की त्वचा जो है वो रूखी रूखी सी है, बट ये इस वाले हैंड पे बहुत ज़बरदस्त सा इफ़ेक्ट आया है। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे रेमेडीज़ पाने के लिए मेरे चैनल को करें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। दुआओं में मुझे याद रखें, मेरी फैमिली को याद रखें, मेरे पेरेंट्स को याद रखें, मेरे बेटे को याद रखें। मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।